रिजी के साथ बात कर रहा था साले, कहता तू मुझे बता क्या हुआ, तू डर गया था मरी लड़की के साथ, क्या हुआ मुझे बता, सच बता। रिजी जी बोले ही ना, रिजी नहीं नहीं छोड़ना, तुझे पता है ना नहीं करना। फिर हुआ ये कि प्लान बना के जी, रिजी कहता है कि यार साले यार तू मतलब प्लान करना यार, बेब्स के साथ बैठते हैं ये सारा कुछ ना। तो कहता मैं उसको ले आऊंगा, तू उसको ले आई। तो बीच में कहता है तू सो रहा था, कहता है सादे ऊपर करा देंगे, इसको नहीं लेके आते, इसको नहीं लेके आए। ये मुझे आवाज आई थी, ये मुझे आवाज आई थी, ये आवाज आई थी। मैं तो ऐसे ऐड कर रहा था कि मैं सो रहा हूँ, मेरी आंख खुल गई थी तो मैं सारी बात सुनी है ना। हाँ तो उसके बाद फिर मैंने सालिक से गाड़ी ली, फिर तू भी उठ गया था। तो ये देख ले पीछे तेरे, अरे नहीं तू डेला 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 डेला, लड़कियां पीछे हैं, तुम इधर है ना, लड़की ये नीचे देना, तू इधर है। बोल तू, खैर तो नलतर भाई रात को क्या बात हुई थी, हमने क्या सोचा था कि हमने कहाँ जाना है? मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था रात को, तो सही नहीं था कि सफर का हमजा साहब बिल्कुल, यानी ये हमजा साहब का बिल्कुल मूड नहीं था फेरी मेडोस का बिल्कुल, और हम तीन बंदे तैयार थे बहुत ज्यादा थे, लेकिन हम हमजा की वजह से हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि यार ये अगर नहीं रेडी तो इसको फोर्सफुली लेके जाया जाए। तो फिर हमने यह किया कि इससे कुछ कर करो पैसे तुम लोग के पास थे नहीं और तुम लोग गए थे फेरी मेडोस जाने में, पैसे तो रेंज हो ही जाते हैं यार, पैसे तो नहीं है टूर के लिए, नहीं कुछ भी है नहीं पैसे, बहुत बंदा कर लोगों के बटुए धुल जाते हैं टूर के लिए, फिर हमने कुछ ना कुछ वो तो रेंज हो ही गए, चल फिर हम चले। एक एक्स्ट्रा दिन भी था हमारे पास, हमने सोचा कि मतलब क्या आए हो जो है टाइम निकाला हो तो ऑब्वियसली बात है। खैर फिर हम फेरी रायकोट ब्रिज तो रात को फिर हमारा डिसाइड हो गया कि भाई हमने सुबह जाना ही जाना है फेरी मेडोस, तो प्लान ये बना कि हम जितनी जल्दी हो सके सोएंगे, नींद पूरी करेंगे मॉर्निंग में जल्दी 5 बजे। हमने गाड़ी वाले को उसी टाइम रात को ही बता दिया कि भाई तूने इस टाइम 5-5:30 बजे मैक्सिमम तूने यहाँ पे होना है, ताकि हम 6 बजे, अगर थोड़ा सा भी लेट होता है तो आधा पौना घंटा मतलब 6-6:30 का हमारा एस्टिमेट, हमने निकलना है यहाँ से वापस। तो वही हुआ, हम सुबह तकरीबन 6:15-6:30 बजे गाड़ी में थे और वापसी की तरफ नलतर से नीचे आए हम अपनी गाड़ी तक। खैर उसके बाद हम रायकोट ब्रिज तक पहुँचे मेरे ख्याल से 12 बजे तक, और वहाँ से फिर हमने शेयरिंग भी कराई थी, शेयरिंग पे शेयरिंग पे कराई थी, 6 बंदे थे, 6 लोग थे, एक जीप में 4 हम लोग थे और 2 है लेकिन 2 बंदे थे, 12 टोटल लोग थे ना, जो 6-6 पे 2 हमने कराए। सीन ये था कि हमने मतलब अपनी जीप करवानी थी तो हमें जरा पर पर्सन कॉस्ट ज्यादा पड़ गया। रेट क्या था पर बंदा? 1300 5400 पर ग्रुप पड़ा था। हां 4-4 बंदों का, और वैसे क्या रेट होता है उसमें? 8000 पर जीप नहीं, वो 200 का फिक्स था। वो सीजन में कितना होता? 12-13 होता होगा। ठीक होगा। पर उधर से हमें 2-2.5 घंटे लगे ऊपर जीप पे उस पॉइंट तक पहुंचने में जहां से हाइकिंग स्टार्ट होती है। हां रोड कैसा था तू कोने में बैठा था? रोड तो टफ ही था, सबको यानी कि पता था कि रोड टफ है, वो तो टफ था लेकिन तू कोने में बैठा हुआ था, तुझे क्या नहीं, वो तो यानी कि फील तो होता है कि आप बिल्कुल यानी कि सामने खाई और कभी भी यानी कि जीप थोड़ी सी भीड़ के अंदर थोड़ी सी हुई तो नीचे जाना, वो फिर मैं हूं ये तो जाना सबने था, जाना सबने था। मुझे याद है सादा कहता है ओ भैंस की आंख तू कैमरे में भी देख के डर लग रहा है। था ही ऐसा जब कैमरे में यानी कि तूने उस वीडियो बनाई उसको भी देखो तो पता लगता है कि यार मतलब वही वही बात है कि एक पत्थर भी अगर नीचे स्लिप हुआ ना तो जीभ आपकी नीचे है, वो लोग जितने और आपके बचने का ना कोई चांस नहीं है। ड्राइव कर रहे हैं वो 7-8 साल का एक्सपीरियंस है उनका, मतलब तब जाके सिर्फ वहां पर एक्सपीरियंस मेरे पास है ना, वहाँ पर थोड़ी किस्मत भी होती है। अभी तो विकी में कह रहा था कि भाई हम जाएंगे गाड़ी अपनी लेके खुद जाएंगे ड्राइव कर वो नहीं उसको नहीं वो तो गाड़ी तो गाड़ी छोड़ते नहीं हो नीचे से, नहीं छोड़ते ना गाड़ी ले जाना ड्राइव ही है बेवकूफी है, क्योंकि वो है 24/7 कम से कम 12 घंटे तो यानी कि सुबह से लेकर शाम तक वहां पर जीप चलती रहती है। अब ये तो एक तो है ना कि आपका रोड खाली है कोई ऐसे का यहाँ पर कोई जाता नहीं है, अब वो गाड़ियां आती हैं उनको पता है कब रुकना है कब चलना है किस एरिया में रुकना है किस एरिया से क्रॉसिंग करनी है किस एरिया में ज्यादा यानी कि खतरनाक है। एक बंदा नया नया हो अपनी अकड़ में चला जाए कि यार मैंने जाना है, मैं बहुत प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ मैं ले जाऊंगा आराम से, तो वो तो यानी कि जिद है ना। अब वो शायद ले गया गाड़ी सलामत, लेकिन वो जिस तरह उसकी हालत होगी जब वो लेकर आएगा
उसे खुद ही पता होगा यार वाकई में ही उधर से फिर हम क्या नाम है हाइकिंग स्टार्ट की हमने 20 मिनट इन जो भी बैग हमें मतलब साथ लेके हम निकले और 20 मिनट 25 मिनट गुजरे होंगे तो भाई कहते हैं वो मेरा सांस फूल है हमने कहा ठीक है फूल रहा हमारा भी सांस फूल रहा तो इस तरह करते करते हम एक दो बंदे आगे बाकी ये तीन चार बंदे ही पीछे थे तो थोड़ी देर हमने देखा जी एक बॉय हमारा जो है वो खत्म है लेट गया बस स्कैंड है हमने उधर साले का फोन था उस पे हार्ट बीट वगैरह चेक की देखा हमने कि क्या निज़ाम है तो बाइक की हार्ट बीट पहुंच गई 240 पास थी तो फिर कहते हैं फिर हमने थोड़ा सीरियस किया नहीं मामला थोड़ा जी ये हमारे मरने वाला था बिल्कुल ये नहीं यार ये अक्सर हो जाता है मेरे साथ अक्सर भाई क्या हो जाए 240 यार ये अभी मैं ऊपर बैठा हुआ था मेरे साथ हो गया था तो लेकिन 2 सेकंड दी मुझे नहीं लगता ये साल दो साल बाद हमें नसीब होगा मरा पड़ा होगा कहीं खैर मैं उधर लेटा हुआ था तो फिर बड़ा डिसीजन लिया ये दो बंदे ऊपर चले गए और तुम लोग मेरे साथ कौन उठा था सालिक था मैं और ये गेस और मैं और ये वापस जाना चलो जहाँ पर इसका वो गया था ऊपर चलते हैं ऊपर से जो वापस आ रहा है उसी को जहाँ पर छोड़ वो तेरे साथ तो वही बताता हूँ हम पहुंचे थे आधे रास्ते में घोड़े हमने देखे तीन चार जो लगे हुए बंदा एक बॉय खड़ा हुआ था पास तो हमने से बात घोड़े मौजूद थे बंदा बैठा हुआ साथ हमने उसे बोला यार इस तरह मसला हो गया इश्यू हो गया तो हायर करना हमने कितने पैसे लोगों पर जाने उसने कहा जी नॉर्मली ये है कि हम 2000 नीचे से बुकिंग कर लेते हैं अब यहाँ से आप हमें स्पेशल बुक करें तो हम 2500 रुपया लें हमने कहा ठीक है डन आपको 2500 रुपये दे के चले आए उसने हमसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी जी बंदा कैसा जी मोटा है बस नहीं है कितने वेट का है कितने साइज का है हमने अच्छा कहता है कि यार मैं ले जाऊंगा 2500 में लेकिन मसला ये है ना कि आप पहले बंदे का बता दे मोटा बंदा हुआ ना तो उसके हम थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं ना हमने यार भाई अभी तूने बुक की है हमने कहा डील होगी है उसे यकीन दिलाया पूरी तरह यकीन बंदा ठीक है ये नॉर्मल है ना नहीं नहीं तुम बताओ कितना वेट है ये वो ना हमने कहा है कि यार बंदा नॉर्मल है उसकी तबीयत खराब है इंसान यानी कि तुम इंसान ही दिखाते कि एक बंदे की तबीयत खराब है कुछ यानी कि 2500 ले लो हमने तुम्हारे से राजी नहीं आके उसको यानी कि पिक कर लो कहते नहीं नहीं बताओ बताओ आप ना तो इन भाई साहब का मीटर रिजवान साहब का हाई हो गया नहीं अभी भी मेरा मीटर शॉर्ट नहीं हमने कहा ओके फाइन हमने बड़ी तसल्ली दी भाई जब बंदा वेट नहीं है कोई मोटा मोटा नहीं है सिर्फ इश्यू उसे सांस का थोड़ा सा इशू हुआ है तो इसलिए हम जा रहे हैं ठीक है जी चलो डन यहाँ भी बात होगी 2500 खत्म हो गया सारा मामला खत्म नहीं था ओके जी चलेंगे अब वो लेके चलने लगा ना तो कहता है अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे टिप क्या दोगे ऊपर मेरा मीटर शॉर्ट हो गया उधर मैं कहूँ मैं तुझे मजबूरी बता रहा हूँ बंदा हमारा बीमार है तू कह रहा है मुझे टिप क्या दोगे ऊपर लेके जाने की हमने कहा टिप तुझे 2000 तो बोल रहे हमने तुझे 2500 एक्स्ट्रा तुझे दे रहे और क्या टिप दें तुझे कहता नहीं इतने में तो नहीं हम जाता कहता अब तो तू 10000 देगा तो मैं फिर भी नहीं जाऊंगा क्या मतलब क्या वजह तू 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 कौन होता हम तुझे 2500 एक्स्ट्रा दे रहे हैं मतलब क्या चाहता अब तू कहता नहीं अब तो तू बोलेगा तो हम नहीं जाएगा हम नहीं जाएगा हमने कहा हमने हमें भी तेरे साथ नहीं जाना तू जा हम और ढूंढ लेंगे तू जा तो इतनी बात रही तो तो हमने कहा ठीक है हम बंदा और ढूंढ लेंगे तू क्या लेते लगा हुआ है हमने कहा तू खुदा है हम और बंदा ढूंढ लेंगे क्या शुरू कहता हाँ मैं खुदा हूँ मैं ब्रह्म हूँ मैं खुदा हूँ अब मुझे और बढ़ चढ़े कहता छोड़ छोड़ चल चले छोड़ ड्राई में कर छोड़ मैंने कहा यार बातें किसी के बातें क्या कर रही है हम इसे मजबूरी बता रहे हैं बंदा हमारा बीमार है ये मजे ले रहा है
इससे मैंने कहा यार मैंने कहा घोड़े वाला तो नहीं है आगे 10 घोड़े वाले हैं हम क्यों से बहस कर रहे हैं वो जायज बंदा है उसको यानी कि असल में फेरी मेडस का ही सीन है ना वहाँ पर इतनी आवाम जाती है और ज्यादातर यानी कि बाहर के टूरिस्ट होते हैं ना तो ये फिटे हुए हैं ना लोग ना वहाँ काफी ना उनसे गाय होते हैं गाइड वाइड काफी फिटे हुए हैं तो यही है कि किसी और इलाके में होते हैं ना यहाँ पर इतना टूरिस्ट नहीं आता तो ये मिनते का क्या मिलेगा जाते हैं लोग मिनते करके हजार हजार में आपको घोड़ा शायद गाइड देते हैं कि जाओ तो ये ज्यादा फिटे हुए हैं ना तो मैंने कहा छोड़ क्या उससे बहस कर रहे हैं वो नहीं मानेगा मुझे पता है यहाँ पर वो कभी नहीं मानेगा और वो यानी कि और यानी कि डिमांड्स करेगा उसे पता है कि उन्हें यहाँ से आगे से एक और बंदा नया मिल जाना है तो हम किसी और गुड़वल से आके बात करते हैं फिर कुछ लगा हुआ लगा हुआ लगा हुआ लगा मैंने कहा भाई उसने बात गलत की ना मुझे उस पर गुस्सा आया यार तू खुदा है ऐसा हाँ मैं खुदा हूँ तो इस बात पे फिर उससे हल्की सी हो गई तलख कलामी होगी उससे फिर